HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कहा जाए जो तमाम प्रत्याशी है या जो तमाम प्रत्याशियों के साथ जो लगे हुए थे वो अपनी थकावट उतार चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता है, रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, इनके सुपुत्र चिरंजीवी राव चुनाव लड़ रहे थे और अब हमारे साथ है कैप्टन अजय सिंह यादव, सीधा बात करेंगे। थकावट उतार चुके हैं, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्या? कैप्टन साहब हमारे साथ हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है तमाम जगह से, सीधा एक बार जानते हैं। कैप्टन साहब पहले तो आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थकावट उतार दी आपने? जी आज सोया हूं 2 घंटे, रिलैक्स नहीं हो रहा। अब क्या फीडबैक मिल रहा है कार्यकर्ताओं से? फीडबैक ये मिल रहा है कि जो आम कार्यकर्ता है हमारे नेताओं पार्टी के सभी ने बहुत ही मेहनत करी है और मैं समझता हूँ तन मन धन से लोग लगे थे और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मेहनत है 1 महीने की पूरा ले जाएगा। कितना जीत को लेकर सुनिश्चित है, मुकाबला क्या मान रहे हैं पूरा जो रेवाड़ी विधानसभा सीट पे, किससे क्या मुख्य मुकाबला है? हमारा मुख्य मुकाबला मैं समझता हूँ कि टिकौनिया संघर्ष और फोन गवर्नमेंट भी हो सकता है और मैंने जो है अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 35,000 कुछ वोट दिए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें करीबन काफी इजाफा हुआ था वोटिंग में और जितना इजाफा हुआ है मुझे लगता है कि चिरंजीव कायम जरूरी है। आप तो 6 चुनाव लड़ चुके, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़ी बारीकी से तमाम लोग कह रहे हैं कि कैप्टन साहब का कहीं ना कहीं चिरंजीवी राव को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि पूरा तजुर्बा चुनाव का कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को मान रहा है और ये जो कम वोटिंग हुई है वो क्या मानते हैं कांग्रेस के पक्ष में? जब भी कम वोटिंग होती है इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी उसकी हार होती है। हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो कम इसलिए हुई है कि लोग भाजपा से बड़े परेशान हैं और विशेष रूप से जहाँ के जो विधायक करण जी का निवास उनकी कार्यप्रणाली से जिस प्रकार से वो नकारा रूप से उन्होंने कार्य किया, कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके नहीं आए। अपने राव इंद्रजीत सिंह जी उन्होंने एक भारी आदमी को उतार दिया, लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया और जो ऊर्जा हमें मिली है हमारे कार्यकर्ताओं से हमें ऊर्जा मिली है और मैं समझता हूँ कि करीबन 100 गांव है मेरे इलाके में और मैं समझता हूँ उसमें से कम हम 72 गांव में हम लोग जीत रहे हैं। जो सर्वे आ रहे हैं मीडिया उनको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं ये तो देखो सर्वे को मैं नहीं मानता हूँ, हमारी मैं समझता हूँ कम से कम हमारी 40% सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार कह रही थी लोगों ने नकार दिया क्योंकि आप देखिए हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, उन इश्यूज को ही दबा के अभी प्रधानमंत्री आए थे यहाँ उन्होंने एम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में जिक्र नहीं किया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आम पब्लिक को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए और हर व्यक्ति चाहिए उसका अमन अमन चैन चाहिए, अमन चैन नहीं है। क्या नारों से पेट भरेगा? पेट भरेगा रोजगार से। कैप्टन साहब चुनाव आपने लड़ा, मेहनत आपने की, युद्ध आपने लड़ा, तो सर्वे वाले जो दिखा उनको कितना सटीक मानते हैं? युद्ध में जो आपने जो आप लोगों ने पेपर दिया तो आपको ज्यादा बेहतर पता है या सर्वे वालों को ज्यादा बेहतर पता है? युद्ध मैं नहीं लड़ा, युद्ध लड़े हैं मेरे कार्यकर्ता, हमारा काम ये हमारे जो कार्यकर्ता है लड़ाई वो लड़ता है कार्यकर्ता लड़ता है, नेता तो केवल उनको अपनी बात कह सकता है, अपने भाषण द्वारा कह सकता है, लेकिन असली मेहनत तो हमारे कार्यकर्ता। जो टिकट वितरण के बाद जो माहौल बना भाजपा के टिकट वितरण क्या लगता है आपके लिए भाजपा के सोलह सबसे नहीं कोई आ जाता और कौन था
मुझे बताइए ना और कौन भाजपा में जो बगावत हुई भाई, अगर बगावत हुई उनके साथ कौन लगे हैं? हरदेव सिंह बादल वो लगे हैं ना, जो भाजपा का जो भाजपा के कुछ लोग हैं अंदर खाने जो है दो जगह बन गए, कुछ हल्दी कर रहे हैं और कुछ खोल के इसकी कर रहे हैं। लेकिन शहर भर में चर्चा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा है कि जो भाजपा में टिकट वितरण को लेकर जो बगावत हुई सीधा सीधा कैप्टन अजय सिंह यादव को उसका यानी कि कांग्रेस को उसका पूरा फायदा हुआ है। तो यहाँ पर बावन की सीट पर रेवाड़ी सीट में जीते हैं, क्योंकि एम्स वाला मामला जो है काफी गर्मा गया, मेडिकल कॉलेज है, बस स्टैंड यहाँ नहीं बनाया, एक वो हमारी बेटी जो है कोठड़ा गाँव की वो आज तक नहीं मिली है, वो सारे मुद्दे मिला के। और अभी प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा मैं मुझे तो वोट मांगने नहीं है, तो फिर यहाँ प्रसाद बांटने आ जाएगा। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप आ रहे हैं वोट मांग, उसने कहा कि मैं तो वोट मांगने नहीं है, मैं तो आपका धन्यवाद, किस बात का धन्यवाद नहीं है, क्या कौन सा दिन मार दिया 8 साल में? एक इन्होंने घोषणा की थी वन लाइक वन पेंशन, उसको भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज के लोग हैं उनको पत्थर से निकला, हमारे जो फौजी भाई हैं उनको जो कैंटीन में जो फैसिलिटी मिलती थी वो जो है उसमें दिक्कत आ रही, उसमें भी लिमिट कर दी। तो क्या आपको कैप्टन साहब, अब आपसे अंतिम सवाल करेंगे, ऐसे क्या मुद्दे रहे जो आप जनता के बीच लेके गए, जनता ने उनको चुना और आपको वोट दिया? दूसरा जश्न की तैयारी क्या है? अच्छा जश्न बनता है जब परिणाम आ जाते, यानी कि आप ऐसे ही जश्न मनाने लगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उसकी हमें आदर की जनता का आदर करना चाहिए, जनता आएगा फिर जश्न ही मनाएगा। दूसरी बात जो है हमारी सोच क्या है, सोच ये कि विधायक और मंत्री जो है वो लोगों से उन्हें मिलने में दिक्कत ना हो, उनमें कोई फासला नहीं होना चाहिए। अब तक फासला था, रणजीत सिंह रहते कापरीवास में, यहाँ पर लोग सारे किसी को काम पड़ जाए, यहाँ पर चार तो पांच तो विधायक थे, विधायक को विधायक का दर्जा नहीं दिया वो, ठीक है। दूसरी बात है विकास करवाना, विकास नहीं करना, हम विकास कराएंगे। अगर सरकार हमारी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, एम्स बनवाएंगे, बस स्टैंड बनवाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का काम करेंगे ताकि जो है रेवाड़ी का जो पानी है वहाँ निकल जाए और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश करेंगे। बुढ़ापा पेंशन के अंदर जो है वृद्धि हम लोग कर ही रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोचेंगे, चिकित्सा के बारे में हमारा ध्यान रहेगा, शिक्षा के बारे में हमारा ध्यान रहेगा, उन पर हमारा फोकस रहेगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, कहीं ना कहीं चेहरे की खुशी बता रही है कि सीट निकल रही है, अब जश्न की तैयारी है, देखते हैं 24 तारीख को कितने रूप से किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी। मैं राव विजेंद्र सिंह रानी की ड्योटी से, हम सबकी बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ेंगी। वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को आत्म प्रकाश यादव हॉस्पिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।